हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए आया हूँ आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो वन प्लस ओप्पो और वीवो के प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करती है, जैसे कि जो वो इनोवेशन लाती है तो उसको यूज़ क्यों करती है। तो दोस्तों, जो ओप्पो वीवो और वन प्लस है वो एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। वो जो अपनी इनोवेशन होती है वो ओप्पो और वीवो के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जो वाटर ड्रॉप नॉच है उसके बाद स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, और जो ओप्पो का चार्जर है बॉक्स चार्जर उसको भी यूज़ करती है वन प्लस, जिसको कि हम डैश चार्जर के नाम से जानते हैं। जो वन प्लस है वो हमेशा ही जो उसकी बेस्ट स्पेसिफिकेशन है उसके साथ ही आती है। तो दोस्तों, जो भी इनोवेशन होते हैं ये ओप्पो और वीवो के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं और वन प्लस में डाले जाते हैं, ताकि जो वन प्लस है उसमें R&D का प्राइस ना लगे, और जो R&D का प्राइस होता है उसका वो ओप्पो और वीवो में लग जाए। तो दोस्तों, इससे इनका एक काम बहुत ही अच्छा हो जाता है कि जो इनोवेशन आएगा उसका जो खर्च होता है वो इनका कभी भी नहीं लगता। जो इनका इनोवेशन होता है वो ये ओप्पो और वीवो के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो ओप्पो और वीवो के जो प्राइस होते हैं वो R&D के कारण ही बढ़ते हैं, जो होंगे फ्लैगशिप होते हैं जिसमें कि इनोवेशन आती है। लेकिन वहीं पर आप देखते हो कि जो वन प्लस के स्मार्टफोन है उसमें वही इनोवेशन आती है, लेकिन जो उसका प्राइस है वो बिल्कुल अच्छे, मतलब कि अच्छा प्राइस में आता है, क्योंकि जो उसका R&D का कॉस्ट है जैसे कि मैंने बताया वो ओप्पो और वीवो के थ्रू ही प्रेजेंट करती है और अपने स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, इस तरह से ओप्पो और वीवो जो है वो वन प्लस की बहुत ही हेल्प करती है, और जो वन प्लस है वो मार्केट में छाई रहती है और जो एप्पल है उसको टक्कर दे देती है, जैसे कि वाटर ड्रॉप नॉच है और फास्ट चार्जिंग है। वन प्लस में जो भी स्पेसिफिकेशन है वो अपने प्राइस में बहुत ही अच्छे रेंज से लाती है। दोस्तों, जो उसके प्राइस रेंज में स्मार्टफोन्स है वो इतना इनोवेशन नहीं ला पाती, क्योंकि जो स्मार्टफोन बनाने का खर्च तब बढ़ जाता है, लेकिन जो वन प्लस है वो ओप्पो और वीवो के थ्रू प्रेजेंट करता है इसलिए उसका खर्च ही बच जाता है। तो दोस्तों, इसलिए वो स्मार्टफोन फ्लैगशिप किलर बन जाता है, और जो उसके स्पेसिफिकेशन है उस टाइप के स्पेसिफिकेशन बाकी कोई कंपनी अच्छे दाम पर नहीं ला पाती जैसे प्लस। तो दोस्तों, जो वन प्लस है वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और उसके आसपास भी कोई वैसा फ़ोन नहीं है, ना ही किसी स्मार्टफोन मार्केट में उस टाइप के फ़ोन आएंगे। अगर आएंगे तो उनको भी अपने सब ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे, जैसे कि ओप्पो और वीवो है वन प्लस के। तो दोस्तों, इस टाइप से ही जो इनोवेशन है वो काफ़ी हेल्प करती है वन प्लस को, और वन प्लस बहुत ही अच्छे प्राइस में फ़ोन लाता है। तो दोस्तों, इस कारण ही वो इंडिया में इतना बिकता है, क्योंकि उस टाइप के प्रोसेसर और वाटर ड्रॉप नॉच, फास्ट चार्जिंग, जो भी उसके इनोवेशंस है वो बाकी कोई कंपनी नहीं ला पाती उस प्राइस में। तो दोस्तों, इसका बिकने का ये ही सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि उसका इनोवेशन बिल्कुल ही कम प्राइस पे मिल जाता है। अगर किसी और कंपनी को इनोवेशन करना है तो उसका खर्च बहुत ही बढ़ जाएगा, जैसे कि दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि ओप्पो और वीवो में आती है और वन प्लस में भी आती है। तो दोस्तों, इस कारण ही उसके स्मार्टफोन्स इतने अच्छे ढंग से बिकते हैं। दोस्तों, जो इनोवेशन का खर्च है वो बाकी कंपनियाँ जैसे कि ओप्पो और वीवो अपने जो इनोवेशन है उसमें से ही लाती है, क्योंकि दोस्तों जो ओप्पो और वीवो है वो बहुत ही महंगे फ़ोन्स में ला देती है, जैसे कि 60,000 रुपीस का फ़ोन और इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन देती है, लेकिन जो उसके स्पेसिफिकेशन वो खुद ही किल कर देती है अपने वन प्लस को लाकर। तो दोस्तों, वन प्लस एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है,
आपको स्मार्टफोन के ऊपर Fed up with the low battery of your poor mobile phone? Don't worry. With a VOOC flash charger, your mobile phone can be charged as quickly as a flash and available for you at any time. What is a VOOC flash charger? Let's explore it. तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए मेरा चैनल बीटेक. मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा. दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा. जय हिंद जय भारत.